अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शिशा, तुमने मीरा को यहाँ लाके अच्छा ही किया। वैसे तुमने उसका चेहरा देखा है या तुम भी उसे घूंघट में ही मिली थी? ओ सुनीता आंटी, मैंने तो उसे घूंघट में ही देखा है। लेकिन जब उसने तुम्हें बचाया था तब तुमने थोड़ा सा तो उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखा तुम्हें। हाँ, वो नई वाली मेड का है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बस पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो रही। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। पर बेटा, इनकी यहाँ की परंपरा है, ये पराए मर्दों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती है। फिर क्यों जिद कर रहे हो? बुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं परंपराओं को नहीं मानता और मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपने घर में नहीं रख सकता जिसका मैंने चेहरा ना देखा। घूंघट हटाओ अपना। मैंने कहा घूंघट हटाओ। ये कौन है? मेड तो महक बन के आई थी, फिर ये कहां से आ गई? पता नहीं दीदी के साथ कौन सा लड़का था, मैं तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाई और उल्टा माँ ने मुझे देख लिया। माँ इतनी भोली नहीं है जितनी दिखती है। क्या पता मेरे पीछे मेरे ही राज का पर्दाफाश करने की साजिश कर रही हूँ। क्या हुआ, क्यों बुलाया तुमने मुझे? कर दिया ना तुम्हारा काम, ले आई ना इस घर में मेड बना के। तुम्हें अभी मेरा एक और काम करना है, मेरी जगह किसी और को मेड बना कर लाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले ही तुम्हें यहाँ पे लाने में कितना ज्यादा सर दर्द हो, अब तुम कह रही हो कि किसी और को लेके आओ? ये नहीं हो पाएगा, मेरे लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है। एक आंच को ये वीडियो दिखाना। महक, ये मजाक चल रहा है क्या? धोबी का कुत्ता बना के रख दिया तुमने मुझे। जो समझना है समझो, मुझे एक दूसरे मेट चाहिए बस, और उसे सब समझा कर लेके आना। अच्छा वो तुम हो, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। चाय? चाय के लिए आप उसका चेहरा देख रहे थे? और भाई कौन सा वक्त है ये चाय पीने का? ध्रुव, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, जाओ चाय लेकर आओ। हे भगवान, कहीं ने मेरे हाथ के चाय के स्वाद से कुछ शक तो नहीं हो गया? पता नहीं त्रिशा ने इस लड़की को कुछ समझाया है या नहीं, ये चाय बना पाएगी भी या नहीं। ये स्वाद पहली वाली चाय के स्वाद से अलग है, इसका मतलब महक घर में ही है।
क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? कोई मर गया क्या? मिस्टर अग्निवंशी को चाय में फर्क समझ आ गया क्या? मैं कहाँ है? ये एकांश का स्क्रू ढीला है क्या? कभी महक के पीछे तो कभी निहारिका के पीछे। मैंने पूछा महक कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा? वो तो सबके सामने घर छोड़ के चली गई थी ना, इसलिए तो तुमसे पूछा हूँ कहाँ है वो। मैंने सब जगह पता किया, वो कहीं पर भी नहीं है। वो तुम्हारी माँ से मिलने भी नहीं गई थी निहारिका, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ है वो और क्या किया तुमने उसके साथ। मैं सच कह रही हूँ एकांश, वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ कुछ क्यों करूँगी। तुमने तो महक से वादा किया था कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। मेरे लिए प्यार और वादे से बढ़कर मेरी नफरत है। भाई छोड़ो इसे, अरे फिर कोई नई मुसीबत चाहते हो क्या? जैसे निहारिका को मारने के इल्जाम से बचे हुआ। मेरे मामलों में दखल देना बंद कर, मैंने पहले ही बोला है तुझसे। हाथ छोड़ मेरा। और आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। कहां ले जा रहे हैं दीदी को? क्या ये सच में दीदी को मार देंगे या ये बस इनकी कोई चाल है? एकांश क्या कर रहे हो? एकांश मेरा हाथ छोड़ो। क्या डाला? गड्ढा खोदो। एकांश एकांश क्या कर रहे हो? मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता महक कहाँ है। चौटाला खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गड्ढा खोदो। एकांश प्लीज। निहारिका वक्त बर्बाद मत करो, तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ महक कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। एकांश प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे सच में नहीं पता कि महक कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कसम खा के कहती हूँ एकांश, मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता कि महक कहाँ है। चौटाला हाथ तेज चलाओ अपने। एकांश रुक जा, क्या कर रहा है तू? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने महक को किडनैप किया है ना? बोलो कहाँ है वो। नहीं 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 एकांश, मैंने सच में कुछ नहीं किया। देखो तुम मेरी अगर गलतियों की वजह से मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो तुम प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो एकांश, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। एकांश प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे मौका दो प्लीज। मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए आई हूँ एकांश, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू एकांश, बस एक बार मुझे मेरी बात को साबित करने का मौका दो प्लीज एकांश। एकांश एकांश मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी एकांश, बेस्ट वाइफ, और तुम्हें इतना प्यार करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकांश प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे बस एक बार मेरी बात को साबित करने का मौका दे दो प्लीज। बहुत झूठ सुन लिया मैंने तुम्हारे। चौटाला देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।